पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के सदर और जमीयतुल इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान के दोबारा इक्तदार में आने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इन्होंने ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नासिर मूसा दई की JUI में शमूलियत की तकरीब में खिताब करते हुए किया। इस मौके पर नासिर मूसा दई की रिहायशगाह पर जलसे का अहतमाम किया गया था जिसमें JUI के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हमें दोस्त ममालिक ने बताया है कि अगर इमरान खान दोबारा इक्तदार में आए तो हमें अपना पैसा जाया करने की जरूरत नहीं। इन्होंने दावा किया कि सूबे में आने वाली हुकूमत JUI की होगी। तुम नहीं हो हुज्जत, हम हैं। नौजवानों सुबह जाओ, आज भी वक्त है, मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, लेकिन इंशाल्लाह मुकाबला जारी रहेगा, सीटें नहीं हटेंगे। मौलाना फजल रहमान ने निश्तर हाल पिशावर में जमीयत लायर फोरम के कन्वेंशन में भी शिरकत की। कन्वेंशन में JUI के मरकजी अहदेदारों और सुबह भर से आए हुए JUI के वकला भी शरीक हुए। मौलाना फजल रहमान ने मुल्की आईन और दस्तूर और सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया।